हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बार्बरी लॉयन और कैस्पियन टाइगर के बीच हुई लड़ाई में जीत किसकी हो सकती है यह बताया हुआ है। वैसे तो यह दोनों ही हमारी धरती से विलुप्त हो चुके हैं, मगर इन दोनों का जो खौफ है वह आज भी हमें जंगल में दिखाई देता है, क्योंकि इन दोनों में से एक है जंगल का किंग और एक है जंगल का डॉन। तो हमें आज के इस वीडियो में यही पता लगाना है कि इन दोनों में से कौन ताकतवर है, मगर मैं आज के इस वीडियो में खुद आपको विजेता नहीं बताने वाला हूँ, बल्कि विजेता बताने का यह चांस आप सभी को दे रहा हूँ। मगर आप विजेता आप अपनी पसंद से नहीं, बल्कि हम जो आपको जानकारी बताने वाले हैं उसके आधारित पर विजेता निश्चित करना होगा। तो आप यह वीडियो अच्छे से देखिएगा और सुनिएगा। तो अब हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम इनके साइज और हैबिटेट के बारे में जान लेते हैं, जहां बार्बरी लॉयन लंबाई में करीब 2.8 मीटर से लेकर 3.5 मीटर तक हो सकते हैं, जिसमें इनकी पूंछ भी शामिल है, और इनका एवरेज वेट 270 किलो से लेकर 300 किलो तक हो सकता है। और यह आज से 100 साल पहले तक अफ्रीका में दिखाई देते थे, जो अटलास माउंटेन्स के आसपास रहा करते थे, मगर यह 1960 को पूरी तरीके से एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। वही कैस्पियन टाइगर लंबाई में करीब 2.7 मीटर से लेकर 3 मीटर तक हो सकते हैं, जिसमें इनकी पूंछ भी शामिल है, और इनका एवरेज वेट 170 किलो से लेकर 240 किलो तक हो सकता है। तो यह कहीं ना कहीं बंगाल टाइगर से थोड़े बड़े और साइबेरियन टाइगर से छोटे हुआ करते हैं, यानी कि यह टाइगर इन दोनों के बीच साइज के मामले में बराबर बैठते हैं। और यह टर्की, ईरान, अफगानिस्तान, वेस्टर्न चाइना, यहाँ तक साउथ और वेस्ट कैस्पियन सी के आसपास रहा करते थे, और यह भी 1970 को पूरी तरीके से एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। तो अब इनके वेपन्स और स्ट्रेंथ के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों, इन दोनों के जो पंजे के नाखून हैं वह साइज में समान ही होते हैं, यानी कि 8 सेंटीमीटर तक, मगर बार्बरी लॉयन के कैनाइन टीथ कैस्पियन टाइगर से बड़े थे, जो 7.5 सेंटीमीटर तक लंबे थे। हालांकि कैस्पियन टाइगर के कैनाइन टीथ की लंबाई 7 सेंटीमीटर तक होती थी, और यह दोनों इन्हीं की मदद से शिकार के साथ अपोनेंट का भी सामना करते थे। तो अब इनके स्ट्रेंथ की बारी। दोस्तों, बार्बरी लॉयन प्रोटेक्शन के मामले में टाइगर से एक स्टेप आगे है, क्योंकि बार्बरी लॉयन के पास 8 सेंटीमीटर से लेकर 22 सेंटीमीटर तक लंबे आयल के बाल मौजूद होते हैं, जिसके कारण अपोनेंट को बार्बरी लॉयन की गर्दन पकड़ने में मुश्किल होती है। तो यह कहीं ना कहीं बार्बरी लॉयन की स्ट्रेंथ है, और साथ ही साथ बार्बरी लॉयन स्टैमिना और एजिलिटी के मामले में भी कैस्पियन टाइगर से आगे है, मगर कैस्पियन टाइगर के पास लॉयन से ज़्यादा मसल पावर होती है, और यह अकेला शिकार करने के कारण शिकार करने का एक्सपीरियंस और इंटेलिजेंसी में लॉयन से आगे है। तो अब अटैक। दोस्तों, आपको पता है लॉयंस हमेशा झुंड में शिकार करते हैं, जैसे कि यह किसी भी शिकार को अपने झुंड से अलग कराकर उनका पीछा करके उनके पीठ पर या फिर उनके गले पर हमला करके उन्हें मार गिराते हैं। मगर यह कभी कभार अपने स्पीड के बलबूते पर भी शिकार करते हैं, क्योंकि यह 80 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से भाग सकते हैं, और यह अपना शिकार अपने कब्जे में आने पर उसे 1000 PSI बाइट फोर्स से काटते थे। वही कैस्पियन टाइगर अकेला शिकार करता था, और यह भी बाकी टाइगर की स्पेसीज की तरह दबे पाव ही शिकार करता है, जिसमें वाइल्ड पिग्स, सर्विड्स, बैक्ट्रियन डियर, रोय डियर, कैस्पियन रेड डियर, गजेल्स एंड वाइल्ड हॉर्स शामिल है। और यह टाइगर इनका शिकार करते वक्त 65 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से भाग सकता था, वही यह इनके गले पर 1000 PSI बाइट फोर्स से काट सकते थे। तो अब फाइट। दोस्तों, मुझे यह बात बताने की कोई ज़रूरत नहीं है कि लॉयन अपने एक पंजे से और टाइगर अपने दोनों पंजे से वार करता है, इसलिए लॉयन के शरीर पर टाइगर के ज़्यादा अटैक हो सकते हैं, मगर ज़्यादा अटैक करने के कारण टाइगर जल्दी से थक जाएगा और तब लॉयन अपना खेल शुरू करेगा। मगर हम यह बंगाल टाइगर और अफ्रीकन लॉयन के बीच हुई लड़ाई के आधारित पर ही बता रहे हैं, क्योंकि बार्बरी लॉयन और कैस्पियन टाइगर के बीच कभी लड़ाई हो ही नहीं सकती है, क्योंकि वह दोनों ही एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। इसलिए मैं आप सभी को इस लड़ाई का विजेता निश्चित करने के लिए कह रहा हूँ। तो आप जल्दी से अपना विजेता निश्चित करके हमें कमेंट बॉक्स में बताएगा, हम आपके कमेंट की राह देख रहे हैं। और आपको इस वीडियो से थोड़ी सी भी नॉलेज मिली है तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखना पसंद है तो स्क्रीन पर दिखाए गए किसी भी वीडियोस पर क्लिक करके देख सकते हो। और साथ ही साथ आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को भी जरूर दबाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।